हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर से गैंगरेप के बाद जला देने की घटना से देश भर में गुस्से का माहौल है और लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जैसे ही इस तरह की घटना सामने आती है वैसे ही कुछ लोग आरोपियों का धर्म खोजने लगते हैं। ऐसा इस मामले में भी देखा गया और एक आरोपी के विशेष समुदाय के होने की वजह से जमकर राजनीति भी हुई। इस दौरान कुछ लोगों ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कोई आधिकारिक बयान न आने पर भी सवाल उठाया। ओवैसी चूंकि हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से आवाज उठाते दिखते हैं और जब कुछ दिन पहले कठुआ में एक बच्चे से रेप की घटना हुई थी तो भी उन्होंने कई बार इस पर बयान दिए थे। वो मुसलमान की बेटी है, छोड़ो, वो सबकी बेटी है। मंदिर में रखकर उससे मुंह काला किया गया, 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ड्रग्स दिए गए उसको और बारी बारी से आकर उसकी इज्जत लूटी गई। बल्कि मीरठ से बुलाया गया एक शख्स को कि तू भी आ, एक बच्ची है, उससे मुंह काला कर दो। वो बच्ची के हाथ टूट गए, पैर टूट गए और फिर उसके उसको जान ले ली गई, उसका गला दबा दिया गया, पत्थर से सर पर मारकर सर पर जख्म कर दिया गया। बताओ मिस्टर मोदी, ये कौन लोग थे? जम्मू के वो लोग जो बीजेपी के मिनिस्टर थे, इन्होंने उन जालिमों का साथ दिया जिनको गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं बयानों को लेकर लोग ओवैसी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब उनके ही संसदीय क्षेत्र में एक शर्मनाक कांड हुआ तो इस पर चुप क्यों है। हालांकि ओवैसी ने पीड़िता का जिस क्षेत्र में घर है वहां के अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं को परिजनों से मुलाकात के लिए जरूर भेजा, साथ ही इस घटना से संबंधित लोगों के ट्वीट को रीट्वीट भी किया, लेकिन उनका बयान न आना कहीं न कहीं लोगों को अखर रहा है। सवाल इसलिए भी बनता है कि वे हैदराबाद के सांसद भी हैं और उनके ही लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई है। यही नहीं, उनके छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भी इस मसले पर कुछ बोलने से बचते दिख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक रैली भी की जिसमें अयोध्या फैसले को लेकर कई बातें कही पर हैदराबाद गैंगरेप पर कुछ नहीं बोला। और आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही को जा रहे हैं, कोई दूसरे कोर्ट को नहीं। कानून में एक गुंजाइश है, उस गुंजाइश को भी हम आजमा रहे हैं, उस गुंजाइश का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इस वास्ते कि हमको यकीन है, कोई इसको गलत ना समझे। उसके बाद जो भी होगा फैसला, चाहे हमारे हक में आए हमारे हक में ना आए, हमको वो फैसला भी कबूल है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद जहां थी वही रहेगी, चाहे वहां पे कुछ भी बन जाए, वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। इसके अलावा भी अगर देखें तो ओवैसी तेलंगाना में केसीआर की सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका भी इस मामले पर रवैया बेहद ढीला था। सरकार के एक मंत्री महमूद अली ने तो इस घटना पर अजीबोगरीब बयान दे डाला। फिलहाल इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस घटना पर कुछ लोग ओवैसी को वोट बैंक के लिए चुप रहने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन सवालों पर ओवैसी कब तक चुप्पी तोड़ते हैं। न्यूज़ डेस्क।